हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं मेरी बेटी के अन्नप्राशन का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने क्या खाना बनाया है और किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, होपफुली आप भी इसे बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो। तो शुरुआत हम केक बनाने से करते हैं। तो केक के लिए आधा कप मैंने दही ले लिया है, इसी के साथ आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। 1/3 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, आप चाहो तो पीसी हुई चीनी का यूज़ कर सकते हो। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो छन्नी की मदद से छान के हम सारी चीज़ें लेंगे। 1 कप मैदा मैंने यहाँ पर लिया है, इसी के साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेते हैं पहले और वापस से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये केक बना रही हूँ, तब बजे है रात के 10:30। तो आप देख सकते हो कि इसे थोड़ा बहुत मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बैटर आप देख सकते हो बिल्कुल बनकर तैयार है। केक टिन को भी मैंने पहले से रेडी करके रखा था, तो इसके अंदर बैटर को मैं डाल देती हूँ। और कढ़ाई को गैस के ऊपर मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर केक रख देते हैं और एकदम लो फ्लेम पर हम इसे 25 से 30 मिनट तक अच्छे से बेक करेंगे। तो सुबह के बज गए हैं 6 और रात को केक अच्छे से बेक हो गई थी, लेकिन बहुत लेट हो गया था तो मैंने ऐसे ही इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स के बहुत ही आराम से केक निकल जाती है और इसके नीचे जो पेपर रखा था वो अंदर ही ऐसे ही चिपक गया था, देखिए। तो आप केक को देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे सी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुई है, आप देखिए। तो अब हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि मेरे पास जो टाइम था वो बहुत कम था और उसमें गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं जो व्हिप क्रीम लेकर आई थी वो पता नहीं मेरे से गलती हो गई थी या फिर व्हिप क्रीम में प्रॉब्लम थी। इसको मैंने करीबन 1 घंटे तक बीटा, लेकिन ये फ्लफ़ी ही नहीं हुई थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दूसरी व्हिप क्रीम मार्केट से लाकर उसे करूँ। तो यहाँ पर मैंने केक को 2 पार्ट में कट कर लिया था और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ शुगर सिरप, जिससे ये स्पॉन्ज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे घर में न्यूटेला पड़ा था तो मैं न्यूटेला से इसके ऊपर इस तरीके से कोटिंग कर देती हूँ। देखिए, न्यूटेला का टेस्ट सभी को बहुत पसंद होता है, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इससे मैंने बीच वाला जो पार्ट था उसे अच्छे से कवर कर लिया। अब बारी थी पूरे केक को अच्छे से कोट करने की। तो उसके लिए मैंने बनाया घर पर ही गनाश, जो सिर्फ मैंने कोको पाउडर से ही बनाया है और सच में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। जो आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इसका टेक्सचर भी देखिए, एकदम स्मूथ बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी टेस्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस केक को अच्छे से रेडी कर लिया था, अब बारी थी इसको डेकोरेट करने की। तो आप देखिए कि एकदम कलरफुल केक बनकर तैयार हुई है और घर के सभी ने इसके ऊपर ये जो स्प्रिंकल्स है उसे डाला था और इस केक को रेडी किया था। तो यहाँ पर मैं बिस्किट्स की ट्रेन बनाने के लिए बैठ गई थी। तो बिस्किट्स को चिपकाने के लिए शुगर सिरप की ज़रूरत पड़ती है और शुगर सिरप जो है वो एकदम गर्म रखना होता है, तभी आपके बिस्किट्स अच्छे से चिपकेंगे। तो यहाँ पर आप मेरे पैन के अंदर देख सकते हो उसका कलर काला हो चुका है, क्योंकि इसको 2 बिस्किट चिपकते थे और ठंडा हो जाता था तो उसको बार बार गर्म करना पड़ता था। लेकिन बाय द वे, बहुत जहमत के बाद ये बहुत ही अच्छी सी ट्रेन बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही है और इसको देख के अब खुशी मिल रही है। अब बारी थी डेकोरेशन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया था, इस तरीके से बलून्स लगा दिए और अन्नप्राशन का इस तरीके से मैंने स्टिकर लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और बेटी छोटी है तो उसे भी संभालना था और बहुत सारी चीज़ें भी करनी थी साथ में। इसलिए आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, नीचे मैंने एकदम ब्लैक बैकग्राउंड रखा था
जिससे उसके ऊपर जो सारी चीज़ें रखे वो अच्छी दिखे। और उसके ऊपर मैंने चावल से मेरी बेटी का नाम लिखा था रेविका, और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर जो चीज़ें मैंने अरेंज की थी, सॉरी जो चीज़ें मैंने रेडी करके रखी थी, वो सारी मैं यहाँ पर अरेंज करने वाली थी। तो आप देख सकते हो कि मैंने बिस्किट के गणपति भी वहाँ पे बनाए हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरी चैनल पे शेयर किया है, तो आप वो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना। और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी थी, अभी भी थोड़ा वो था कि कहाँ रखूँ, कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी, लेकिन सब कुछ अच्छे से अरेंज हो गया। यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ें रखी है, आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, इससे कम भी रख सकते हो, बस खुशी कितनी है वो मायने रखती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो सेटअप था वो रेडी था। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी थी रिविका को लाने की। तो रिविका ने एक बहुत ही अच्छी सी नींद ले रही थी, और आप देखिए ये ट्रेन जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। बच्चों को जो चीज़ें पसंद है वो मैंने इसके अंदर रखी है, और ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो रिविका ने एक बहुत ही अच्छी सी नींद ले रही थी, तो मैं अभी उसे रेडी करने गई, जिससे क्या है कि वो फ्रेश होती है तो अच्छे से वो खेलती है। तो सेटअप ऑलमोस्ट रेडी था। अब मैंने जो थाली रेडी की थी उसमें मैंने पूरी, आलू की सब्ज़ी, खीर और थोड़े से फ्राइम्स लिए थे, और पानी का ग्लास, तो ये सब भी मैंने यहाँ पर रख दिया। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर मेरी बेटी को लेकर आ गई हूँ, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है, और हम सब भी अच्छे से रेडी हो गए हैं। वो इधर उधर देख रही है कि ये मुझे कहाँ ला के बिठा दिया है, और आस पास में ये सब क्या है। उसे वो कलरफुल चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो अच्छे से देख रही है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब बारी थी फाइनली रिविका को पानी पिलाने की। तो उसके डैडी उसे पानी पिला रहे थे फर्स्ट टाइम, और मेरा बेटा अब देख सकते हो वो बहुत ही एक्साइटेड था। उसे जब से पता चला था कि आज रिविका को पानी पिलाना है, तब से बोल रहा था मम्मा मैं ही पिलाऊंगा और रिविका आज पानी पिएगी, उस तरीके से वो खुश था। तो उसके हाथ से भी उसकी बहन बहुत अच्छे से पानी पी रही है, अब देखिए। और अब बारी थी उसको खीर खिलाने की। तो मैंने उसे खीर खिलाई, तो मैं जैसे ही हाथ में कटोरी लेती हूँ वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है कि बस अभी मुझे खिलाओ। और मैंने भी उसे इस तरीके से खीर खिलाई, और वो देखिए कि बहुत अच्छे से खीर को भी एंजॉय कर रही है। और मेरा बेटा भी बोल रहा है कि खीर भी मैं खिलाऊंगा, तो वो भी अपनी छोटी बहन को खीर खिलाने जा रहा है। और बहन तो देखिए कि कैसे उसके हाथ से लेकर बस खिला ही दो अभी मुझे, और वो उसको भी एंजॉय कर रही है, और बेटा यानी कि भाई अपना प्यार बरसा रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की जो अन्नप्राशन में थाली रेडी करते हैं वैसे की थी, जिसमें थोड़े से पैसे, एक बुक, खाना गोल्ड या सिल्वर, और भगवान की जो मूर्ति रखते हैं। तो आप देख सकते हो रिविका बस थाली को ही एंजॉय कर रही है, तो इसे थोड़ी देर एंजॉय करने दिया इस तरीके से, और फिर ले ली। तो अब बारी थी केक खाने की। तो जो हमने केक रेडी की थी उस केक को जैसे ही रिविका के सामने रखा, उसने उस पर इस तरीके से हाथ रख दिया और पूरा हाथ चॉकलेट वाला कर दिया। देखिए, तो उसका हाथ मैंने पकड़ के रखा था जिससे उसके कपड़े, हेयर या फेस गंदा ना हो। अभी भी वो उसका ट्राई चालू ही रख रही थी कि इस केक को मैं कैसे खाऊँ। वो कलरफुल था तो उसको देख देख के वो स्माइल कर रही थी, और फिर खाने का ट्राई कर रही थी। उसको बस उसे खाना ही था, और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से वो ट्राई कर रही है कि किस तरीके से इसे मुंह में ले लूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने लाइव उसको देखा है बहुत ही हमने एंजॉय किया है, और अभी हम वीडियो में भी देख रहे हैं तो इसे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरी इस चैनल पे मैंने बहुत टाइम के बाद ये वीडियो डाला है, क्योंकि एक दो रीज़न की वजह से एक लंबा सा ब्रेक आ गया था, लेकिन होपफुली आगे ब्रेक ना आए और मैं रेगुलर अपने वीडियो डालती रहूं। और हाँ, मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिए, पसंद करते रहिए, आपका प्यार इस तरीके से बरसाते रहिए। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। और आप देखिए कि अपने भाई के सामने देख देख के वो स्माइल कर रही है, और फाइनली उसने केक को खा लिया।
और किस तरीके से वो एंजॉय कर रही है। हाँ फ्रेंड्स, अभी चॉकलेट्स या केक अच्छी बात नहीं है, बस ये तो एंजॉयमेंट के लिए था। अब मैं केक को ले रही हूँ और उसके फेस पे जो चिपका हुआ चॉकलेट है उसको ही मैं उसे एंजॉय करने दे रही हूँ, और आप देखिए कि वो किस तरीके से उस चॉकलेट को एंजॉय कर रही है, देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।